जी हम इस्लामाबाद की सड़कों पे इस वक्त जा रहे हैं और इस वक्त हम ये हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, ये हम मनाल के रोड पे आ गए हैं। लेकिन ये सब मैं गलत कह रहा हूँ, ये हमारा केयर एवेन्यू से बाहर निकले एग्जिट है। बड़ा अच्छा सा था, मैंने कहा इसकी वीडियो बना लें और आपको दिखा दें। लेकिन जब मनाल पे जाए ना तो वहाँ पे ये ऐसे ही सीन आते हैं। ये आप बहुत खूबसूरत है, ये एवेन्यू का बाहर का हिस्सा है और बहुत खूबसूरत लगता है जब रात को इसके पास से गुजरे। यहाँ से ऐसे लगता है कि आप जर्मनी चले गए हैं। तो मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ मुल्कों की हम सैर करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं। अब ये देखें इधर से दो और हैं, ये टोटल चार हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम, ब्रांड न्यू वीडियो के साथ दोबारा हम हाजिर हैं। और इस वक्त आज 14 अगस्त 2020 है और आज हम इस वक्त आपको सबसे बड़ा मॉल है कुवैत का, सबसे अच्छा और खूबसूरत मॉल जो तकरीबन यूके की स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे आके आपको ऐसा लगता है जैसे कि लंदन की स्ट्रीट, हम लंदन में। हाँ, आप जब यहाँ पे आएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लंदन स्ट्रीट में जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको इधर के व्यू दिखाएंगे। और आज हमने कपड़े भी उसी मुनासिबत से पहने हुए हैं, 14 अगस्त की मुनासिबत से। हाँ, बच्चों के मिले नहीं हमें, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से शॉपिंग करके आएंगे और उस हिसाब से हम झंडे वाले कपड़े पहनेंगे। और चलें आप आपको दिखाते हैं यहाँ पे व्यूज़। तो ये जो जूती है ये बहुत ज़बरदस्त जूती है, ये वो जूती है जो अक्सर पड़ती है, मज़ा भी आता है। और ये 850 दिनार मतलब ये पाकिस्तानी आपके सीधे सीधे 4.5-4 लाख के करीब। तो ये वो जूती है, तो कैसा आपको लगा ये देखिए। ये है 830 के डी, ऑलमोस्ट ये तकरीबन 4 लाख। ये तो किसी ने भी नहीं ले ली, नहीं हमें पसंद ही नहीं है एक्चुअली, हम ये ले रहे हैं। कितने का था वो? 830। इतना सस्ता? बहुत सस्ता नहीं, कितना हुआ? 5 लाख रुपए? नहीं नहीं नहीं, इतना सस्ता नहीं हमने लेना, हम जरा और महंगा लेंगे। मोहब्बत का इजहार जो है हमारा करना इम्पॉसिबल है। और फिर ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी की ऐसी ही फीलिंग्स हैं अपने मुल्क के लिए, वो बहुत जज्बात रखता है और हम लोग भी इसी तरह से हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जैसे ही ठीक होता है ये जो कोविड 19 का सिलसिला है, तो इंशाल्लाह हम लाजमी पाकिस्तान
जाएंगे और वहाँ पे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम सबको बहुत मिस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को। तो चले जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। ये लोग आ गए हैं। गाइस ये देखें, ये दो स्पीकर जो नज़र आ रहे हैं, ये स्पीकर नहीं है, ये डस्टबिन है गोल्डन कलर के। ये इतने खूबसूरत लगाए हुए हैं कि इसमें गंद भी फेंकने को दिल नहीं करता। ये बड़े नीट क्लीन, जैसे कि आपने हाथ में टिश्यू पकड़ा है या कुछ रैपर वगैरह पकड़ा हुआ है तो वो आपने फेंकना। तो ये चीज़ें ये जो है ना बड़ी अच्छी है। देखिए सामने आबशार है छोटी सी, बहुत खूबसूरत सी, तो कितनी अच्छी लग रही है। पानी निकल रहा है, बच्चे घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ये अहमद की कोई मिस नज़र आ गई है, इसलिए वो परेशान हो गए हैं, मिस कर रहे हैं, मिस। तो गाइज ये गुच्ची का नाम तो आपने सुना ही होगा सबने, गुच्ची का ब्रांड बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये शॉप है गुच्ची की, ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ड्रेसेस वगैरह। तो गाइस ये था कुवैत का एवेन्यू, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है और काफ़ी देर लगी थी इसको बनने में। जब शुमाला आई थी 2008 में तब ये स्टार्ट हुआ था और स्टिल अभी तक बन रहा है। तो ये जब जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी अभी हमारा तो इसने जाना नहीं है, तो इसने कंप्लीट होना नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया, काफ़ी लंबा है लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने 5-6 मिनट की वीडियो बनानी थी। 14 अगस्त के हवाले से हम बाहर निकले थे। तो इंशाल्लाह अब हम जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को आपने क्या करना नहीं भूलना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।